लोट पोट की अनोखी होली। होली का दिन था। आमन सुबह सुबह अपनी साइकिल पर एक गली से गुजर रहा था, तभी किसी ने ऊपर से उस पर पानी फेंक दिया। आमन एकदम घबरा गया। उसने ऊपर देखा तो शरारती जग भी खुशी से चिल्ला रहा था, होली है। आमन चुप रहा। वह ठिठुरता हुआ घर लौटा, दोबारा कपड़े पहनकर दूसरी गली से निकल गया। वास्तव में अमन अस्पताल में अपने परदादा जी के लिए घर से दूध लेकर जा रहा था। उसके परदादा जी पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में दाखिल थे। उन्हें सांस की तकलीफ थी। शहर की जिस गली में उनका परिवार रहता था वह गली बहुत तंग थी। वहां खुली हवा कम मिलती थी। डॉक्टरों ने उसके दादाजी को यह सलाह दी थी कि वह बाहर खुली हवा में ज़रूर सैर किया करें। वह घर में अक्सर यही कहते थे, मैंने अमन के स्कूल में बहुत से पेड़ खुद लगाए थे अपने हाथों से, लेकिन जब से स्कूल की नई बिल्डिंग बनी है सभी पेड़ काट दिए गए हैं। अब साफ़ और ताज़ा हवा कहाँ से आए, हर तरफ धुआं ही धुआं और प्रदूषण ही प्रदूषण। पर दादाजी ज़्यादा नहीं बोल पाते थे क्योंकि उनकी सांस फूलने लगती थी। अमन बेबस होकर देखता रहता, उनकी पीठ सहलाता रहता। ऐसा ही सड़क पर लगे वृक्षों के साथ हुआ था। कुछ लालची लोगों की उन पर बुरी नज़र पड़ गई थी। अमन पर दादाजी को अस्पताल में दूध पिलाकर फिर घर लौट आया। तब तक उसके पापा जी भी अस्पताल में पहुँच चुके थे। अमन ने आकर देखा, उसके सभी साथी हाथों में पिचकारियां लेकर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। अमन ने पिछले साल खूब होली खेली थी, लेकिन ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं किया था जिससे किसी का मन परेशान हो। अमन, तुम होली क्यों नहीं खेल रहे हो, दूसरी गली आए दीपक ने उससे पूछा। अमन बोला, पर दादाजी अस्पताल में दाखिल हैं, अब उनके लिए खाना लेकर जाना है, मम्मी खाना बना रही हैं। अमन अस्पताल में खाना देकर फिर वापस आया। उसने देखा जग्गे फिर शरारतें करने आ रहा था। उसके पास कई गुब्बारे थे जिनमें रंग वाला पानी भरा हुआ था। जग्गी ने गली से गुजर रहे एक बुजुर्ग रिक्शा वाले के पीठ पर गुब्बारा मारा। इससे पहले कि रिक्शा वाला उससे गुस्सा होता हुआ तेज़ी से गली में भाग गया। अमन पर दादाजी की खराब होती जा रही सेहत को लेकर बहुत उदास था। उसे एक योजना सूझी। वह अपने दोस्त रंजन और मधुर के पास गया। ये दोनों दोस्त उसके खास दोस्त थे। उन्हें भी अमन के पर दादाजी की बीमारी के बारे में पता था। अमन ने अपनी योजना के बारे में दोस्तों को बताया तो वे खुश हो गए। इस नेक कार्य में उन्होंने अन्य साथियों को भी शामिल करने की बात कही। मधुर अपनी बड़ी दीदी पम्मी को बुला लाया। वह 5वीं कक्षा में थी। उसको योजना का पता चला तो वह बहुत खुश हुई। उसके मुंह से निकला वाह। सभी दोस्त अलग अलग किस्म के रंग ले आए। वे मोहल्ले के ही एक छोटे से मैदान में इकट्ठा होने लगे। जो भी उन्हें देखता वहाँ इकट्ठा होने लगता। अब अमन ने अपने दोस्तों की मदद से जमीन पर रंग बिरंगे अक्षरों में कुछ लिखा। फिर उसने पास के किसी घर से 8-10 पुराने अखबार मंगवा लिए। जमीन पर लिखे अक्षरों से उन्हें ढक दिया। अपनी योजना के अनुसार अमन ने कुछ दोस्तों को वहाँ पर ही रहने दिया। फिर रंजन और मधुर को साथ लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष जी के घर गए। अध्यक्ष जी का घर उसी मोहल्ले में ही था। नगर पालिका अध्यक्ष मन ही मन हैरान थे, सोच रहे थे पता नहीं बच्चे उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। अध्यक्ष जी के साथ मोहल्ले के कुछ और सज्जन भी आने लगे। इनमें जग्गी भी था। तब तक जग्गी को भी अमन के पर दादाजी के बीमार होने का पता चल गया था। उसने अमन से ऐसी घटिया हरकत के लिए माफ़ी मांगी। अब अमन नगर पालिका अध्यक्ष जी से बोला, अंकल जी आप सभी अखबार अपने हाथ से उठाएं और हमारी कला का मुहूर्त करें। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने ज्यों ही सभी अखबार उठाए और लिखे शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ने लगे। पेड़ों बिन सोना संसार, पेड़ों से रंगीन त्योहार। इन पंक्तियों को पढ़कर अध्यक्ष जी बोले, बच्चों होली के दिन इन रंग बिरंगे खूबसूरत अक्षरों ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है। आप
का यह संदेश केवल मेरे लिए है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाएं। पेड़ पौधे होंगे तभी मनुष्य जिंदा रह सकेगा। आदित्य जी ने सभी बच्चों के चेहरों पर थोड़ा गुलाल लगाया, खुद भी लगवाया। अगले दिन नगरपालिका अध्यक्ष जी बच्चों के साथ शहर के अलग अलग स्थानों पर नन्हे पौधे लगाने लगे। मोहल्ले के इस अनोखी होली की चर्चा हो रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने क्या जाना, ये आप लोग समझ गए होंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाइए, उसके लिए आप छोटे छोटे पौधे लगाइए और पेड़ पौधों की रक्षा करिए। आप सभी को पेड़ पौधे लगाने का संदेश दीजिए।